महामंत्र विदूषक कहिए महाराज, आज हमारा मन क्यों नहीं यमुनावा घूमने के लिए करता है। अच्छा, तुम्हारी क्या इच्छा है? आइए ना, आइए, चलो। होता को सुवन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भय जग संतापी। स्वाहा, ये क्या हो गया? अरे जब कभी हम यमुना बाग में घूमने फिरने आते जी, तो यहाँ के ये फूल पत्ती खिले हुए नजर आते। आज क्या हुआ जो कि इस प्रकार से कुमलाए हुए हैं? यह है स्वाहा स्वाहा की आवाज, सत्य घी की खुशबू, क्या कारण है? अरे महाराज, मैं खड़ा खड़ा यही आइडिया लगा रहा हूँ, मेरी नाक मंडी फटी जा रही है, किसी डालडा फैक्ट्री में आग लग गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, देख करके आओ, ये हमारे घूमने फिरने वाले उपन में ये उदंडता किसने की है? आई लोग जाइए। मंत्रियों, ये क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? ये महाविष्णु यज्ञ हो रही है। महाविष्णु यज्ञ किसके कहने से? जो यहाँ के महाराज हैं गुरसेन के कहने से। अच्छा, जो यहाँ के महाराज हैं हाँ उन कहने से यज्ञ प्रारंभ की है। क्यों नहीं? जो हमारे युवराज हैं कंस युवराज, उनका कहना है इस यज्ञ को अभी समाप्त किया जाए। नहीं, जब तक इसकी अंतिम पूर्णावति नहीं हो सकती, तो जब तक ये यशनु व्यक्ति नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। ए मोटे पेट वाले, भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तुमको भी स्वाहा कर देंगे। महाराज की जय हो। कहिए क्या हुआ महाराज? यमुना बाग में बड़ बड़े जटाधारी, बड़ बड़े त्रिफुंडधारी, बड़ बड़े पेट महाराज साधु आए हुए हैं। अच्छा, एक जना करता है भिड़ भिड़ भिंडे, दीपे खंडे, पैसा धर दो चार गंडे, स्वाहा। तुमने उन लोगों से मना नहीं किया? मने करने वाले का मुंह काला। उन धूर्तों की यह मजाक, जो कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। चलो उन ढोंगी पाखंडी धूर्त दुराचारी, उन पापियों को हम ही देखेंगे। आइए। स्वाहा स्वाहा, महाराज कितनी धर्म के ठेकेदारों, उनमें से अचार कौन है? अचार कहिए युवराज, क्या कहना चाह रहे हो? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये विष्णु महायज्ञ हो रही है। विष्णु महायज्ञ जी? किसके कहने से? तुम्हारे पिताश्री के कहने से। हमारे पिताश्री के कहने से आपने इस यज्ञ को प्रारंभ किया जी, और हमारे कहने से इस यज्ञ को अभी इसी समय बंद किया जाए। ये क्या कह रहे हो युवराज? हाँ, ये कार्य नहीं हो सकता। क्या कहा? नहीं हो सकता। हाँ, महामंत्री, जब तक इसकी अंतिम आहुति नहीं डलेगी तब तक हम यज्ञ को बंद नहीं कर सकते। जब तक इसकी अंतिम पूर्णावति नहीं हो जाएगी जी, तब तक ये यज्ञ बंद नहीं होगी। नहीं होगी। महामंत्री, तुमने सुना, ये ढोंगी, ये पाखंडी, ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर, ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर जी, ये बाबा जी कहलाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू को बनाते। महाराज घंटी जरा हिला दी जी जी।
ये घंटी जरा हिला दी मानो दिल की कली खिल गई। हाँ। अरे दीपक जरा दिखाया मानो मोक्ष मिल गई। इन ढोंग ढोंगियों का खुद को खाने के वास्ते हरि नाम बुझाया है, खुद को बुझाने के वास्ते। निकम्मे नीचो पापी, निकम्मे नीचो पापी, मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा, बनाकर तुम्हारी जलास के चितड़े कुत्तों को खिला दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं कि मैं नाग विष वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र ऐसा भुजंगो विष वाला हूँ। शांत में बलिया गया, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के हित में अमृत का प्याला हूँ, उग्र शयन का अंश मैं कंस मत वाला हूँ। महामंत्री देखते क्या हो, इनको मारो पीटो यमुना नदी में बहा दो। महाराज कहिए, तुमको पता है एक की तो जटाई उखाली, डुप्लीकेट बाबा जी थे, ओरिजिनल तो एक भी नहीं है। परंतु महाराज इसका कारण है क्या आपको पता है? ये साधु ब्राह्मण आपके पिताजी के पास जाएंगे, वहां पर जाकर के आपकी शिकायत करेंगे, फिर क्या करोगे? क्या कहा जी? पिताश्री के पास। यदि आप ये पिताश्री के पास जाकर के कुछ कहेंगे, इनको भी देखा जाएगा। चलिए, हम इस समय स्वयं दरबार में चल रहे हैं, राजसभा में आइए, आइए हमारे साथ। तो महाराज उग्रसेन ने यज्ञ को प्रारंभ करवाया, विष्णु महायज्ञ यमुना बाग में वह यज्ञ हो रहा है, और महाराज कंस जो ना संत को मानते ना भगवंत को मानते, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी सो जानो निश्चर सम प्राणी, पोथियों को फेंक दिया मारा पिता गया सब संतों को, वह सभी संत दुहाई देते हुए महाराज उग्रसेन के पास में जा रहे हैं। मचा है शोर मथुरा में, दुहाई है दुहाई है, मचा है महाराज उग्रसेन की दुहाई है, दुहाई है दुहाई है महाराज उग्रसेन की दुहाई है। हे मुनिनाथ, ये क्या दुहाई दुहाई करते हुए आप इस समय राज दरबार में? अरे आपको तो यज्ञ मंडप में होना चाहिए था, फिर यहाँ किस प्रकार से? महाराज कंस, महाराज उग्रसेन, हमने आपके कहने से यमुना बाग में जाकर के यज्ञ प्रारंभ की, और न जाने आपका पुत्र कंस कहाँ से आया, उसने हमारे पोती पत्र यमुना नदी में बहा दिए, हमको मारा पिता और यज्ञ विध्वंस कर दी। क्या कहा कंस? वह यमुना बाग कैसे पहुंच गया? खैर कोई बात नहीं मुनिनाथ, उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांग रहा हूँ। उसने जो अपराध किया है उसका दंड मैं उसे अवश्य दूंगा, और आप जाकर के यज्ञ को प्रारंभ करें। ठीक है महाराज, आप उसे समझाना अवश्य। ठीक है महाराज। महामंत्री, तुम तो वहां पर थे उस समय पर, फिर कंस ने आकर के यज्ञ को विध्वंस कैसे कर दिया? महाराज ना जाने कहां से आए और आकर के इन साधु ब्राह्मणों को मारा पीटा और इनके पोती पत्राओं को यमुना में बहा दिया। महाराज कंस को इसी समय राज दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज, युवराज का पधारना हो। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं आ चुके हैं। कहिए पिताश्री, किस लिए बुलाया है हमें? भा कंस, बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं। ना ये देखा
कि यहाँ पर पिता खड़ा है, पिता के समान इस सभा में और भी बुजुर्ग बैठे हैं, ना किसी को दंडत, ना किसी को प्रणाम। मैंने सुना है यज्ञ मेरी को तू विध्वंस करता है, हुकूमत मेरी ठुकरा कर मेरा अपमान करता है। क्या तुम यमुनाबाग गए थे? गया था। वहाँ पर जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया? किया था। पोती पत्रा को फाड़ा? हाँ। ऐसा क्यों? इसलिए ये मैंने शब्द उचित नहीं समझा। कांस, उचित और अनुचित का निर्णय करने वाले तुम अपने आप में होते कौन हो? हम। तुम यहाँ के महाराज तो हम यहाँ के युवराज हैं, इसीलिए शासन की बागडोर, शासन की बागडोर भिकमंगों को दे डाली है, रसगुल्लों का भरा थाल बंदर उसकी रखवाली है। इस समय शासन की बागडोर ये ब्राह्मण, ये बाबा जी इनके हाथ में दे रखी है। यदि इसी माल को हमारे शूरवीर खाए तो किसी समय संग्राम में काम नहीं। कंस, मैं तेरे इस धन को लुटाता नहीं हूँ। अरे लुटाता नहीं मैं धन को, ऐसे प्रजा का कष्ट हरता हूँ, यज्ञ हवन करके प्रसन्न उस विष्णु को करता हूँ। जब यज्ञ होती है तो यज्ञ के कारण वह विष्णु प्रसन्न होता है, जब विष्णु प्रसन्न होता है तो समय समय पर जल की वृष्टि होती है, जब समय पर जल बरसता है तो मनुष्यों के लिए अन्न अथवा पशुओं के लिए तृण पैदा होता है। वाह वाह, यहाँ पर यज्ञ नहीं होते क्या? वहां पर विष्णु प्रसन्न नहीं होता, मनुष्यों के लिए अन्न व पशुओं के लिए तृण पैदा नहीं होता? कंस, होता है परंतु समय से नहीं। पिताश्री, और सुन, तू जो ये बार बार मैं कर रहा है, बेटा ना खोद इस धर्म की जड़ को, तू पता ना इसका पाएगा, जड़ है इसकी पाताल में, खोदेगा तो बस धूल खाएगा। और तू जो बार बार मैं कर रहा है, सुन, इस जग से लाखों गए जो इस जग के माली थे। अरे सिकंदर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, हाथ जरे जैसे सूखी लकड़िया, हाथ जरे जैसे सूखी लकड़िया, ये केस जैसे जैसे घासा, अरे सोने जैसी काया जर गई, कोई ना आया पासा। कोई कहता है कि हम सोने के महल बनाएंगे, कोई कहता है कि हम शहनशाह बन जाएंगे। अरे मूर्ख, इस जीवन की क्या औकात है? ये तेरी चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। पिताश्री, इसलिए जो तूने किया है यह ठीक नहीं किया है। अभी इसी समय साधु ब्राह्मणों के पास में जा, उनसे क्षमा याचना मांग, उसके बाद में राज दरबार में आना। वाह, उन भिकमंगों से क्षमा याचना कवि।